हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो गाइस, एश ने अपने पूरे जर्नी में यानी कि कैंटो से लेकर गलार तक काफी सारे फ्रेंड्स बनाए हैं, एंड हम उनको एश के कंपेनियंस भी बुलाते हैं। तो आज हम उन्हीं सारे एश के फ्रेंड्स या फिर कंपेनियंस के पोकेमॉन टीम को देखने वाले हैं। मतलब अगर वो कोई पोकेमॉन ट्रेनर होते तो उनकी प्रॉपर 6 पोकेमॉन की टीम क्या होती। और हाँ, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कैंटो से लेकर कैलोस तक के एश के कंपेनियंस इंक्लूडेड होंगे। तो हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो एश के सबसे पहले कंपेनियन थी वो थी मिस्ट्री। मिस्ट्री ने एश के साथ कैंटो और जोटो में ट्रेवल किया था, और मिस्ट्री के काफी सारे पोकेमॉन हमें एनिमे के अंदर ही दिखाए गए थे। तो उन्हीं सारे पोकेमॉन्स में हम मिस्ट्री की बेस्ट टीम देखने वाले हैं। तो जो मिस्ट्री का सबसे पहला पोकेमॉन होता उसके टीम में वो होता किंगड्रा। अब मिस्ट्री ने टेंटाकूल एंड टेंटाक्रूल नाम के एपिसोड में एक हॉर्सी को पकड़ा था, पर आगे जाके मिस्ट्री ने अपने हॉर्सी को सर्विलेंस सिटी के जिम में छोड़ दिया था। पर हाँ, हमें होइन में पता चल जाता है कि मिस्ट्री खुद सर्विलेंस सिटी के जिम लीडर बन चुकी है एंड उसके पास वापस से हॉर्स आ जाता है। तो हाँ यार, मिस्ट्री के पोकेमॉन टीम में उसका सबसे पहला पोकेमॉन हॉर्सी ही होता। और अब जो मिस्ट्री के टीम में सेकंड पोकेमॉन होता वो होता स्टारमी। अब पोकेमॉन एनिमे के अंदर हमें ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला कि मिस्ट्री ने कब स्टारमी को पकड़ा या फिर कैसे पकड़ा, और इसकी बैक स्टोरी भी कभी भी नहीं बताई गई। बट हाँ यार, स्टारमी को मिस्ट्री बहुत ज्यादा यूज करती है। अब जो थर्ड पोकेमॉन होता मिस्ट्री के टीम में वो होता कॉर्सोला। तो अगर आप लोगों ने जोटो रीजन देखा है तो आपको पता होगा कि यार मिस्ट्री कितना ज्यादा कॉर्सोला को पकड़ना चाहती थी, एंड फिर वो उसको पकड़ भी लेती। पकड़ने के बाद मिस्ट्री ने कॉर्सोला को बहुत ज्यादा यूज किया था। अब आगे बढ़ते फोर्थ पोकेमॉन की तरफ। तो मिस्ट्री के टीम में जो फोर्थ पोकेमॉन होता वो होता पॉलीटोड। अब ये तो वो सारे पोकेमॉन थे जिनको मिस्ट्री बैटल के बाहर यूज करती थी, बट पॉलीबॉल एक ऐसा पोकेमॉन था जिसको मिस्ट्री हमेशा बैटल्स में यूज करती थी। अब मेरे हिसाब से मिस्ट्री का पांचवा पोकेमॉन होता साइडक, एंड वो मिस्ट्री को ऐसी ऐसी बैटल जिता देता था जो कि मिस्ट्री का कोई और पोकेमॉन उसको नहीं जिता पाता। और अब जो मिस्ट्री का लास्ट पोकेमॉन होगा वो होगा मिस्ट्री का गैरडोस। तो मिस्ट्री का गैरडोस हमें सबसे पहली बार देखने को मिलता है सरुलियन ब्लूस नाम के एपिसोड में, जहाँ पे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और इवन यार अलोला में हमें देखने को मिलता है कि मिस्ट्री अपने गैराडोस को मेगा इवॉल्व भी करती है, एंड उस टाइम मिस्ट्री के गैराडोस ने पिकाचू को काफी अच्छी टक्कर दी थी, बट पिकाचू ने उसको हरा दिया था अपने जी मूव का यूज करके। तो हाँ, मिस्ट्री के टीम में यही 6 पोकेमॉन हो सकते हैं। अब जो एश का नेक्स्ट कंपेनियन है वह है ब्रॉक। ब्रॉक एक काफी अच्छा पोकेमॉन ब्रीडर भी था और साथ में ट्रेनर भी था, और पोकेमॉन एनिमे के अंदर ब्रॉक ने इतने पोकेमॉन्स तो पकड़े थे जिससे हम उसकी टीम बना सके। और मेरे हिसाब से ब्रॉक की पोकेमॉन टीम हो सकती थी मास स्टॉम्प, लूडिकोलो, क्रोगंग, जियोडोट, क्रोबैट और स्टीलिक्स। और ये टीम मेरे हिसाब से ब्रॉक के लिए परफेक्ट थी। इसमें काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे जैसे कि मास स्टॉम्प जो कि एक स्टार्टर पोकेमॉन था, और ब्रॉक ने इसको एक मटकिप के फॉर्म में पकड़ा था, एंड आपको पता ही होगा कि स्टार्टर पोकेमॉन कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसमें ब्रॉक का लास्ट एंड सिग्नेचर पोकेमॉन होगा स्टीलिक्स, जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा स्टीलिक्स में। एंड बाय चांस अगर आपको नहीं पता तो ये ब्रॉक का ऑनिक्स था जो कि इवॉल्व हो चुका था, एंड हमें ये पता चला था होइन रीजन में। अब आगे बढ़ते जेन 3 या फिर होइन की तरफ। होइन में एश के जो 2 कंपेनियंस थे वो थे मे और मैक्स। जिनमें सबसे पहले बात करें मे की, तो मे एक टॉप कोऑर्डिनेटर बनना चाहती थी ना कि पोकेमॉन ट्रेनर। बट फिर भी आप लोगों ने कभी ना कभी सोचा होगा कि उसकी टीम क्या हो सकती थी। तो उसके जो सबसे पहले 3 पोकेमॉन होते वो होते ब्लेजिकन, विनोसॉर और वॉर टर्टल। ये तीनों ही पोकेमॉन ग्रास, वाटर और फायर टाइप के थे जो कि काफी ज्यादा बैलेंस बना देते मे के टीम को। और ये सारे पोकेमॉन इवॉल्व हो चुके थे, हालांकि वॉर टर्टल इकलौता था जो कि फुली इवॉल्व नहीं हुआ था, फिर भी वो अपने मिडल स्टेज में था। और जो मे के बाकी के बचे पोकेमॉन होते वो होते ब्यूटीफ्लाई, मंचलैक्स और ग्लेशियन। और मेरे हिसाब से ये टीम बिल्कुल परफेक्ट होती मे के लिए। अब जो एश का नेक्स्ट कंपेनियन था वो था मैक्स। तो अभी तक जितने भी कंपेनियंस थे उनके पोकेमॉन्स रिवील कराए गए थे, पर यहाँ पे मैक्स का एक भी पोकेमॉन रिवील नहीं कराया गया था। तो हाँ, हम इसकी पूरी टीम थ्योरी के बेसिस पे बनाएंगे। तो मैक्स का सबसे पहला पोकेमॉन या फिर स्टार्टर पोकेमॉन होता है सैप्टाइल। तो मैक्स होइन से बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली उसका स्टार्टर टॉर्चिक होगा, मटकीप होगा या फिर ट्रिको होगा। और इवन उसने पोकेमॉन एनिमे के अंदर काफी बार ऐसा बताया है कि उसको ट्रिको सबसे ज्यादा पसंद है या फिर वो ट्रिको को ही पिक करेगा। अब जो मैक्स के सेकंड एंड थर्ड पोकेमॉन हो सकते हैं वो हो सकते हैं गलेड और ब्रेलूम। अब ये दोनों पोकेमॉन टीम में इसलिए आए क्योंकि इन दोनों ही पोकेमॉन के साथ मैक्स ने काफी अच्छी फ्रेंडशिप बनाई थी। और इवन यार उस एपिसोड के एंड में मैक्स ने ये भी बोला था कि जब मैं एक पोकेमॉन ट्रेनर बन जाऊंगा तो तुमको लेने आऊंगा। और ये पोकेमॉन या तो गलेड में इवॉल्व होती है या तो गार्डिबॉल में इवॉल्व हो सकती है। तो मेरे ओपिनियन में ये इवॉल्व हो सकती है गलेड में अगर ये मेल हुई। और जो मैक्स का फोर्थ पोकेमॉन होता वो होता शपेट। अब ये भी एक ऐसा पोकेमॉन था जिसके साथ मैक्स ने फ्रेंडशिप बनाई थी टेक दिस हाउस एंड शपेट नाम के एपिसोड में। और ये शपेट
काफी मिस्चीवियस था बट अपने फ्रेंड्स को डिफेंड करता था, तो हो सकता है कि आगे जाके मैक्स इसको भी अपने टीम में ले ले। तो अब जो मैक्स का फिफ्थ पोकेमोन हो सकता है वो हो सकता है मेरे हिसाब से स्वेलो। अब इसके बारे में कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है, बस ये है कि यार टेलो काफी इजिली मिल जाता हो इनमें एंड हो सकता है कि मैक्स इसको भी पकड़ ले एंड इवॉल्व कर ले। और मेरे हिसाब से मैक्स का जो लास्ट पोकेमोन हो सकता है वो हो सकता है जिराची। अब हाँ ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है बट जिराची द विश मेकर नाम के मूवी में मैक्स और जिराची का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा हो चुका था और मैक्स और जिराची एक दूसरे से काफी अच्छी तरीके से अटैच हो चुके थे एंड दोनों ने ये भी वादा किया था कि वो दोनों हमेशा के लिए फ्रेंड रहेंगे। तो हाँ हो सकता है कि आगे जाके मैक्स जिराची को भी पकड़ ले। अब जो ऐश की नेक्स्ट कंपेनियन है वो है उसकी सिनो की कंपेनियन यानी कि डॉन। और डॉन के पास सिर्फ और सिर्फ 6 ही पोकेमोन थे जो कि थे पिपलब, बनारी, पाचीरिसु, मैमोस्वाइन, क्विलावा और टोगोकिस। तो हाँ डॉन के पास और कोई चॉइस नहीं है, वो इसी टीम को यूज करेगी। अब नेक्स्ट आते हैं ऐश के यूनोवा कंपेनियन जो कि थे आयरिस और साइलन। तो सबसे पहले बात करें आयरिस की, तो आयरिस पोकेमोन जर्नीज में रिटर्न भी आई थी एंड ये अब एक चैंपियन बन चुकी है। और इसके पोकेमोन टीम में 3 पोकेमोन जो कि कंफर्म होंगे वो हो गए मेरे हिसाब से ड्रैगनाइट, हेक्सरस और एक्सकार्ड्रिल। ये 3 पोकेमोन यार एक तरह से आयरिस के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है एंड 4th पोकेमोन गार्चम्प हो सकता है। अब यूनोवा रीजन में आयरिस ने गिबल को पकड़ा था एंड हो सकता है वो आयरिस के एक्सयू के तरह फुली इवॉल्व हो चुका हो गार्चम्प में। और नेक्स्ट पोकेमोन की बात की जाए तो वो सकता है इमोलगा। तो मेरे हिसाब से जो उसका लास्ट पोकेमोन हो सकता है वो हो सकता है ड्रेडिगन। अब आयरिस एक ड्रैगन मास्टर है एंड ड्रेडिगन एक प्योर ड्रैगन टाइप पोकेमोन है। और इवन यार पोकेमोन जनरेशन में हमें आयरिस के पास एक ड्रेडिगन दिखाया गया था जिसको वो यूज करते हैं टीम प्लाज्मा से बैटल करते वक्त। साइलन के पास अभी तक 3 ही पोकेमोन दिखाए गए हैं जो कि है पैनसेज, क्रस्टल और स्टंगफिश। अब मेरे हिसाब से साइलन का 4th और 5th पोकेमोन हो सकते हैं रोजेलिया और लिवानी। अब साइलन के पर्सनालिटी पे ग्रास टाइप पोकेमोन सूट करते हैं एंड इसी वजह से यार मुझे लगता है कि वो और भी ग्रास टाइप पोकेमोन पकड़ सकता है। एंड जो साइलन का लास्ट पोकेमोन होगा वो होगा बैस्क्यूलिन। अब अगर आप लोगों ने पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट देखा है तो उसमें साइलन ने एक बैस्क्यूलिन को पकड़ा था फिशिंग कॉम्पिटिशन में, पर वो आगे जाके उसको रिलीज कर देता है। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक पॉकेट क्विज, तो बताओ सरीना का ड्रीम क्या था या फिर वो क्या बनना चाहती थी। अब आगे बढ़ते कैलोस की तरफ। कैलोस के आज के कंपेनियन थे क्लेमोंट, बॉनी और सरीना, जिनमें सबसे पहले बात करते क्लेमोंट की। तो मेरे हिसाब से क्लेमोंट की टीम हो सकती है मैग्नेटॉन, हेलियोलिस्क, बनलबी, चेस्पिन और लग्जरे। ये 5 पोकेमोन पोकेमोन एनिमे के अंदर हमें ऑलरेडी क्लेमोंट के पास दिखाए गए हैं। और अब क्लेमोंट का लास्ट पोकेमोन हो सकता है इमोलगा। तो अगर आप लोगों ने पोकेमोन एक्सवाई के गेम खेले है तो आपको पता होगा कि जब आप जिम बैटल करने जाते हो क्लेमोंट से वो इमोलगा का भी यूज करता है। और अब बात करें सरीना की, तो सरीना के पास हमें एनिमे में 3 पोकेमोन दिखाए गए हैं जो कि ब्रेक्सन, पैंचम और सिल्वियन। तो ये 3 पोकेमोन तो ऑलरेडी कंफर्म्ड है सरीना के टीम पे। तो बात करें बाकी के बचे 3 पोकेमोन्स की, तो उनमें से 2 हो सकते हैं माइलोटिक एंड गार्डिवॉर। तो आपको पता होगा कि यार कैलोस के एंड में सरीना होइन में चली गई थी और ये दोनों पोकेमोन यानी कि गार्डिवॉर और माइलोटिक होइन से ही बिलोंग करते हैं। और साथ में सरीना को पोकेमोन कॉन्टेस्ट में भी काफी इंटरेस्ट था, तो ये दोनों पोकेमोन यार सरीना के लिए परफेक्ट होंगे। और जो सरीना का लास्ट पोकेमोन होगा वो होगा मेरे हिसाब से एप्सोल। अब पोकेमोन मांगा में सरीना की एक काउंटर पार्ट है जो कि है वाई एंड उसके पास भी एक एप्सोल है। एंड एप्सोल भी पोकेमोन कॉन्टेस्ट लिए काफी सही पोकेमोन है एंड वो भी जेन 3 यानी कि होइन का ही पोकेमोन है। तो हाँ हो सकता कि होइन में सरीना इन तीनों ही पोकेमोन को पकड़ ले एंड कॉन्टेस्ट में यूज करे। अब जो ऐश की लास्ट कंपेनियन है वो है बॉनी। अब बॉनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमोन पकड़ा था एनिमे के अंदर एंड वो था डडैने। तो हाँ ये एक पोकेमोन तो कंफर्म्ड है। अब जो सेकंड पोकेमोन होगा वो किसी स्टार्टर में से एक हो सकता है एंड मेरे हिसाब से वो होगा फ्रोकी। अब पोकेमोन एक्सवाई सीरीज में हमने देखा था कि बॉनी को निंजा की तरह ड्रेसअप होना बहुत ज्यादा पसंद है और फ्रोकी भी फुली इवॉल्व होने के बाद ग्रीन निंजा बनता है जो कि एक निंजा पोकेमोन है और ये बॉनी के लिए परफेक्ट रहेगा। अब बॉनी के 3rd, 4th और 5th पोकेमोन हो सकते हैं शाइनी ट्रेवेनेंट, पिकाचू और टायरेंट। अब ये 3 ऐसे पोकेमोन है जिनके साथ पोकेमोन एक्सवाई सीरीज में बॉनी ने काफी अच्छा बॉन्ड बनाया था बट उनको पकड़ा नहीं था क्योंकि बॉनी उस टाइम पोकेमोन ट्रेनर नहीं थी। तो हो सकता है जब वो पोकेमोन ट्रेनर बन जाए तो इन सारे पोकेमोन को पकड़ ले और इनको इवॉल्व भी कर ले। तो अब जो लास्ट पोकेमोन हो सकता है बॉनी का वो या तो जायगार्ड हो सकता है या तो फ्लेबेबे हो सकता है। अब इन दोनों पोकेमोन के साथ बॉनी ने काफी अच्छा बॉन्ड बनाया था स्पेशली यार जायगार्ड के साथ, तो उसने पूरे एक्सवाई सीरीज में ट्रेवल किया था बट लास्ट में वो कैलोस को प्रोटेक्ट करने के लिए वापस चले जाता है एंड वो टीम फ्लेयर को डिफीट भी कर देता है। तो इसके काफी कम ही चांसेस है कि जायगार्ड बॉनी के टीम में आए क्योंकि उसको कैलोस को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर बॉनी के टीम में जायगार्ड नहीं आता तो उसके टीम में फ्लेबेबे आ सकता है क्योंकि एक एपिसोड में उसने फ्लेबेबे के साथ फ्रेंडशिप की थी और इवन क्लेमोंट ने उसको पकड़ने की भी कोशिश की थी बट वो ऑलरेडी किसी और ट्रेनर की थी। तो हाँ गाइस आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है तो यार लाइक तो कर ही देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना। तो बस मिलेंगे ऐसे ऑसम कंटेंट के साथ, अंटिल देन।
क्रिस साउथ।